जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या करेगी, वी आई वेलोसिटी से मूव करेगी। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, जितनी वेलोसिटी से ऊपर इमेज जा रहा है उतनी वेलोसिटी से इमेज ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर इसकी वजह से डिस्टेंस चेंज नहीं हो गया, डिस्टेंस दोनों की क्या है इक्वल। ये हम प्लेन मिरर के लिए पढ़ चुके हैं, अब एक्स में मूव करेगा। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है। तो इन्फिनिटी की हम जानते हैं जैसे जैसे हम मिरर की ओर जाएंगे तो हमारी इमेज है वो कहाँ फोकस पर जाएगी, और इसका फोकस यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर पर ले रहा था। तो इस प्रकार चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू डी एच अपॉन डी टी। नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने बोला था यू और वी को भी हम। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर रहे हैं आप सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम वेलोसिटी इन स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स में इमेज के लिए वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसके लिए आप सभी अपने पेन, नोटबुक, स्केल, इरेजर साथ में लेकर बैठें और नोट्स को स्वयं से बनाना है। करते हैं लेक्चर स्टार्ट। यस, माय नेम इज मनोज जैन एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसको स्टार्ट करेंगे, हमारी हेडिंग रहेगी प्यारी सी वेलोसिटी इन स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स के लिए वेलोसिटी देखेंगे आज के लेक्चर में। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्लेन मिरर के अंदर हम इमेज की वेलोसिटी किस प्रकार से निकालते हैं। प्लेन मिरर के लिए वेलोसिटी फॉर्मूला निकाला था और वो भी 2-3 केस किए थे। उन केसेस में पहला केस था हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसके लिए हमें किस प्रकार से वेलोसिटी फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी वी एम ले रहे थे हम। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था और इसके क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कर रहा है, तो इसकी इमेज क्या करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था वी एम इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बाई टू, और करेंगे क्या, इसको विद साइन यूज करेंगे, इसको हम विद साइन यूज करेंगे। क्या कर रहे थे कि ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे थे और इसके अपोजिट जाने पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, ये सब इसके अंदर देखा था। दूसरा केस देखा था जब ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू प्लेन मिरर, पैरेलल टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के पैरेलल क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, वो फॉर्मूला भी हमने अभी देख लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है और वो इसके पैरेलल क्या कर रहा है, वी ओ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इमेज भी क्या करेगी, वी आई वेलोसिटी से मूव करेगी। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल आया था। क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, जितनी वेलोसिटी से ऊपर इमेज जा रहा है उतनी वेलोसिटी से इमेज ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर इनकी मतलब की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस दोनों की क्या है इक्वल। ये हम प्लेन मिरर के लिए पढ़ चुके हैं। अब प्लेन मिरर के लिए पढ़ चुके हैं तो हमें स्पेरिकल मिरर्स की क्यों जरूरत है। स्पेरिकल मिरर में हमने बहुत सारे केसेस देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे थे। उन सभी के लिए क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। इन सभी को हम 2 या 3 केसेस में हम आपको स्पेरिकल मिरर्स का कंडीशन सॉल्व आउट कर देंगे, जिससे आपको क्या रहेगा, पूरे न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे आप स्पेरिकल मिरर की वेलोसिटी को, इसको पहुंच करेंगे। इसके बाद एक बार आपको बता देते हैं कि हम कौन कौन से केसेस हैं जो स्पेरिकल मिरर्स के लिए करने वाले हैं, ठीक है, इसको पहुंच करके नोट करेंगे। स्पेरिकल मिरर्स के लिए वेलोसिटी फॉर्मूला देखेंगे और केसेस देखते हैं। हम पहला केस देखेंगे, इसके अंदर आपको पहले बता देते हैं, केस फर्स्ट आ जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके अंदर हम किस प्रकार से उसका फॉर्मूला निकालेंगे वेलोसिटी इमेज का। उसके लिए देखो, यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट वो है और वो इसके अलोंग वी ओ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पर हमें मिरर दे रखा है, कौन सा, कॉनकेव मिरर।
कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर्स के लिए हम समान कंडीशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो केस ये देखेंगे, दूसरा केस ये देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला देखेंगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, और इसके परपेंडिकुलर मतलब अपर साइड में वीओ वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके लिए हमें वी आई किस प्रकार से प्राप्त होगा वो केस देखेंगे। एक केस देखेंगे केस नंबर थर्ड, और केस नंबर थर्ड में देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कोई ना कोई एंगल बना रहा है, और उस एंगल के साथ में क्या कर रहा है, वह वेलोसिटी कर रहा है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से क्या करेंगे, फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, एक वो केस देखेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पैरेलल अलोंग नहीं जा रहा है, वो किसी एंगल पर जा रहा है, तो उसके लिए केस देखने वाले हैं। तो फोर्थ नंबर केस देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रहा है, पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला देखेंगे, ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। इन चार केसेस के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करके हम इनको आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में इनको समझाएंगे, जिससे आप कोई भी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है तो आप उसको आसानी से सोल्व आउट कर दोगे। इन चार केसेस से हम आप पूरी वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स को समझेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते करते साथ में चलेंगे। एक बार जो इनको लिखना चाहता है वो पॉज करके नोट करेगा, तो इसके बाद में हम पहला केस लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैं इसको केस फर्स्ट बोलूंगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाता साथ में चलूंगा, आप इसको क्वेश्चन नंबर और केस नंबर लगाते हुए साथ में चलेंगे। तो सभी ने पॉज करके नोट कर लिया होगा, अब करेंगे हम केस नंबर फर्स्ट पर बातें, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाएंगे और उसको हम क्वेश्चन से ही हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताएंगे। पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। केस नंबर फर्स्ट आ जाए व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, सभी के लिए क्वेश्चन समान रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहेगा हमारे, ये हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर के हमें फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस से मूव कर रहा है, और वह 2 मीटर प्रति सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ में ही यह ऑब्जेक्ट पोल से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन में हमें क्या पता है, U का वैल्यू दे रखा है, F का वैल्यू दे रखा है, और VO का वैल्यू दे रखा है, लेकिन फाइंड करना है हमें VI ज्ञात करना है। तो VI किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला भी नहीं पता, तो फॉर्मूला हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हैं। इसके अंदर हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/F = 1/V + 1/U, 1/F = 1/V + 1/U, ये होता है मिरर फॉर्मूला। हम मिरर फॉर्मूला जानते हैं जो F, V और U में रिलेशन बताता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, F, V और U पर बातें करेंगे थोड़ी बहुत। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू पोल डिस्टेंस की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे, फोकल लेंथ की बात करेंगे। ठीक है, ये बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये देखो, अब एक बात देखो, यह ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या कर रहा है, पोल की ओर जा रहा है, यह ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या कर रहा है, पोल की ओर जा रहा है, और पोल की ओर जाएगा तो इसके मध्य की डिस्टेंस क्या होगी, कम होती जाएगी। सपोज दैट ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है और यह पोल है, और इस पोल की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड से यह ऑब्जेक्ट जा रहा है,
तो हमारी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट टू पोल डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यू चेंज हो रहा है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू पोल डिस्टेंस होती है, ठीक है। यू क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, और यू चेंज होगा तो हमारी वी भी चेंज होगी, वी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि वी होती है इमेज डिस्टेंस पोल, पोल से इमेज डिस्टेंस होती है। यदि देखो पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर भी हमने इसको धीरे धीरे आगे सकाया, तो इमेज भी क्या करेगी, पीछे की ओर चलती जाएगी। क्यों चलती जाएगी, हमने केसेस पढ़े हैं टर्म क्यों मेरे लिए, जब इमेज इन्फिनिटी पर होती है तो इमेज हमें फोकल पर प्राप्त होती है, और फोकल पर होती है तो हमें इन्फिनिटी पर प्राप्त होती है। मतलब इन्फिनिटी से फोकल की ओर जा रहे हैं तो इमेज फोकल से इन्फिनिटी की ओर आ रही है, और हम क्या कर रहे हैं, यही केस अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यू भी चेंज हो रहा है और वी भी चेंज हो रहा है। साथ में ये देखेंगे फोकल लेंथ हमारी चेंज हो रही है क्या, फोकल लेंथ थोड़ी ना चेंज होगी, वो देखते हैं। फोकल हमारा पॉइंट यहाँ पर था 20 सेंटीमीटर का, तो फोकल लेंथ तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। क्या है यह है, तो एक क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्क्यू मेरे के लिए फिक्स वैल्यू दे रखी है हमें, यह चेंज नहीं होगा। तो एफ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, एफ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। मैं इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिखूंगा, 1/(-1+u-1)। ठीक है, ये क्या है, ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर हम पावर -1 लगा देंगे, ठीक है, सिंपल मेथड। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले का मैं टी की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, टी की रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब बायोलॉजी वालों को पता नहीं रहता कि ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से। आप मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, यदि एक्स की पावर एन है और इसकी टी की रेस्पेक्ट में हम डी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारा एन एक्स की पावर एन डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह वी है और एन की जगह -1 है, एक्स की जगह यू है, एन की जगह -1 है, और एफ की जगह क्या है हमारे पास, एफ की जगह कुछ भी नहीं है, एफ हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन जीरो प्राप्त होता है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन जीरो प्राप्त होगा, ठीक इसका आएगा। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो इसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं एन की जगह -1 इंटू एक्स की जगह वी -1, सॉरी ये हो जाएगा फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन -1 डी एक्स, क्या आ जाएगा एन -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी -1 डी वी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, तो -1 वी की पावर -2 डी वी अपॉन डी टी। सेम यू के लिए भी होगा, -1 एन की वैल्यू -1 यू -1 डी यू अपॉन डी टू, तो ये आ जाएगा प्लस -1 यू -2 डी यू अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से इसको करेंगे, तो 0 = कितना आ जाएगा, माइनस का इसको मैं फिर से 1/v² डी वी अपॉन डी टी माइनस 1/u² डी यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। अब इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं इसका ट्रांसफर करूँगा, इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। इसका पक्षांतरण किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे, ये 0 है और ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, डी यू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू -1/u² डी यू अपॉन डी टी आ जाएगा। पक्षांतरण किया मैंने, इसका ट्रांसफर किया, तो इसका पक्षांतरण करने के बाद में हैं डी वी अपॉन डी टी मतलब क्या हो जाएगा, हम डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन किया हुआ मिलता है तो वहाँ पर हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है, वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है, वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन मिला तो ये क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमें इमेज की ही वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो इसको लिखूंगा मैं डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू -v² / u² डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा वी आई इक्वल टू -v² / u² वी ओ, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यह वेलोसिटी हम किससे मेजर कर रहे हैं, इस कॉनकेव मिरर से, हम मिरर से क्या कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं। तो किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मिरर की रेस्पेक्ट में इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा VIM = VOM आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी
होती है, ठीक, इतनी बात हम जानते हैं। अब इसके साथ में हमने देखा कि यह प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गति कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, मूव कर रहा है, यह किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस डायरेक्शन में, यह एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यह फॉर्मूला हम किस डायरेक्शन के लिए देखेंगे, एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए यह फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ में हम एक बार और जानते हैं v वेक्टर a बराबर b बराबर होता है va माइनस vb होता है, क्या होगा, va माइनस vb होगा। तो इसको मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो vi माइनस vo बराबर आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर vo माइनस vm, क्या आ जाएगा, vo माइनस vm। और यह फॉर्मूला होगा वो आपका जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए यह फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ रख रहा हूँ एक बार के लिए, यहाँ रखने के लिए वाई वी ओ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं वी एम है, उसको क्या लिखेंगे हम वी एम लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये आ जाएगा हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, अलोंग द एक्सिस से कोई भी मूव कर रहा है तो उसका एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, इसको सभी पॉइंट करके नोट कर लेंगे। और इसके साथ में आपको क्या करना है, अब हम अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, अब उसी से आपको इक्वेशन करके दिखाएंगे, इसको सभी पॉज करके नोट करेंगे, इसको सभी पॉज करके नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। कर लिया पॉज, कर लिया नोट, मैं मानूंगा कि आप सभी ने इसको पॉज करके नोट किया, कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर, पूरा ध्यान रखना है कि क्या किया है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यू चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अब क्या रहा है, हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम कॉन्स्टेंट के रूप में यूज कर, डिफरेंशिएशन जीरो प्राप्त होता है, ठीक है। चलो तो छन से हम इसको मिटा देते हैं, छन डायरेक्शन के लिए हमें क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मूला प्राप्त हो गया। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके लिए यह फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या पता है, इस फॉर्मूले में यदि हमें वी आई पूछता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछेगा तो भी हम निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर बोलेगा तो हम निकालेंगे, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बोलेगा तो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर हम इसके लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम यह लगाने के लिए हमारे पास वैल्यू, इस क्वेश्चन में पूछी गई वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी गई है, वी आई का वैल्यू पूछा है, तो वी एम का वैल्यू, वी का वैल्यू, यू का वैल्यू, वी ओ का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या मान हमें दिया है। तो यू एफ हमारे पास दिया है, एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और किसा आएगा, कॉन्केव मिरर के ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, और वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से है, और इस डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में यह जा रहा है। अब इसके बाद में हमें चाहिए यू, तो यू होगा हमारा 40 सेंटीमीटर, और ये क्या रहेगा, इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। वी की वैल्यू हमें इससे क्या करनी है, अभी फाइंड आउट करनी होगी। तो वी की वैल्यू देखो किस प्रकार, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो फॉर्मूला लगेंगे 1 by f = 1 by v + 1 by u, ठीक है, यह फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन वो जो ज़्यादा वो जिन्होंने फील के साथ में पढ़ा है वो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो लगेंगे सीधा फॉर्मूला u f / u - f लगाएंगे। v का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, u का वैल्यू हमारे पास माइनस का 14 माइनस का 20 अपॉन माइनस 14 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 20। मैथ की कैलकुलेशन है इसलिए मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जिसको स्लो करना हो तो वो इसको स्लो करके देखे, और जिसको वीडियो स्लो लग रहा है वो क्या करेगा, इसको into 2 की स्पीड में करके देखे, फिर हमारा लेक्चर अटेंड करेंगे। यह आ जाएगा 800 अपॉन माइनस का 20, तो यह आ जाएगा हमारे पास
माइनस का 40 सेंटीमीटर। वी का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। और नेगेटिव यह बता रहा है कि हम इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से 40 पर जाएंगे तो वहीं पर क्या हो गई, हमें इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पर प्राप्त हो गए। अब इसको आपने सही से यदि डिजर्व किया है, देखा है इस क्वेश्चन को, तो मैंने फोकल लेंथ क्या बताइए 20 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। और आर की वैल्यू 40 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे है 40 पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाली इमेजेस कहाँ पर ही, ऑब्जेक्ट रखने वाला ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज बनाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनाएगा, तो यही है इमेज का निर्माण करने वाला है। ठीक है, वी का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम, ये फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है ये कॉन्केव मिरर कहाँ है, रेस्ट में है, रेस्ट में होगा तो वी एम की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, जीरो रहेगी, रेस्ट में रहेगा। वी आई की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, नहीं ले रखी, याद करेंगे माइनस वी ओ की वैल्यू जीरो, माइनस वी की वैल्यू हमें माइनस का 40, यू की वैल्यू भी माइनस का 40, इसको मैं पूरे का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हैं। वी ओ की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, वी आई आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल टू माइनस 2 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और हमें नेगेटिव इस डायरेक्शन में प्राप्त होगा, तो ये पॉजिटिव ना प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाएगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से यहाँ पर हमें यह बताने वाला है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन हो गया, यही इतना सिंपल क्वेश्चन था, यह शॉर्ट में याद किए किसके लिए देख रहे थे, हम आप सक्सेस के लिए देख रहे थे, किसके रेस्पेक्ट में दे रहे थे, एम के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, एम के रेस्पेक्ट में देखने के बाद में हमें ये सब इसके अंदर विद साइन हम क्या रखेंगे, विद साइन हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, विद साइन हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और इसको आप सभी पोज करके नोट करेंगे। होनहार बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे, अब सभी के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, सभी के लिए सेम रखेंगे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कॉनकेव मिरर का ले लिया, और एक हम कराते हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी करवा देते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट में हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस बार मिरर क्या कर रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से मूव कर रहा है, मिरर भी क्या कर रहा है, इस बार मूव कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो इस डायरेक्शन में 6 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हमें क्या दिया है, यू की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और मिरर का इस बार मिरर की वेलोसिटी भी हमें कितनी दे रखी है, 4 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, और ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में 6 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी याद करनी है, जिसको आ रहा है वो पॉज करके नोट करेंगे, वो जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, अभी इसको देखेंगे, सर हम भी इसको अभी देखेंगे हम कहाँ पहुँच करेंगे। तो ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या पता है, वी आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, वी एम वी यू की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम जानते हैं एफ कितना होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। यू का ऑब्जेक्ट को हम पोल से क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट से पोल की ओर जाएंगे और इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये इंसिडेंस रे है, या फिर बोल देंगे इसको हम पॉजिटिव मार रहे हैं जिसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। वी का वैल्यू वाई फील्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v वाला ना लगाकर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, u की वैल्यू हमें पता है माइनस का 20 इंटू पॉजिटिव 20 अपॉन नेगेटिव 20 अपॉन
आ जाएगा माइनस 400 अपॉन माइनस का 40, तो v इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हम पोल से कहाँ जा रहे हैं, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जाएंगे और 10 सेंटीमीटर जाने पर हमें क्या प्राप्त होगी, इमेज प्राप्त होगी। यहाँ से कहीं 10 सेंटीमीटर की डायरेक्शन पर हमें इमेज प्राप्त हो रही है 10 सेंटीमीटर की डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल तो नहीं करेंगे। अब ये हमें v का वैल्यू प्राप्त हो गया, अब इसके साथ में हम फॉर्मूला लगाएंगे वी आई बराबर वी ओ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। ये फॉर्मूला हम जानते हैं किसके लिए होता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जहाँ पर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या अलोंग द एक्सिस का क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके लिए यह फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ज़्यादा ही फास्ट हो गया। अब इसके बाद में हम करेंगे, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 6 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, हम इस डायरेक्शन को अपोजिट क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। और वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखी है हमें 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और ये इसी डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब तो इसी को मैथ की कैलकुलेशन इसको सभी पोज करके स्वयं से करेंगे, मैं तभी आगे बढ़ूंगा और आप सभी आंसर अपना फिर इसका मैच करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम याद करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज मिरर कितनी हमारे पास, 4 इक्वल टू माइनस का वी, वी की वैल्यू हमें 10, यू की वैल्यू हमें माइनस का 20, वी नॉट की वैल्यू हमें प्राप्त है माइनस का सिक्स माइनस 4, ये हमें वैल्यूज प्राप्त है। वी आई माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा इसका होल स्क्वायर 1/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा इसका 1/4 माइनस का 1/4, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो वी आई माइनस यू 4, वी आई माइनस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 1/-4 पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं यहीं पर कैंसिल आउट करता हूँ, 5/2 कितने से हो गया, ये 5/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 5/2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 प्लस का 4 आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कितने आ जाएगी इमेज वी आई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5/2 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा 5 + 8 = 13/2 m/s, यह आ गए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ 6.5 मीटर, जिसको और ज़्यादा डिवाइड करना चाहो तो 6.5 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यह इसी डायरेक्शन में कहीं आगे बढ़ता रहेगा, इसी डायरेक्शन में क्या करेगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स, अब देखो कॉन्सेप्ट, देखो क्वेश्चन है वही, पीछे के कॉन्सेप्ट से आंसर आ रहे हैं हमारे। हम जानते हैं क्या कि जो वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो फोकल पर बनेगी, और जैसे जैसे आगे आती है, जैसे जैसे वो क्या आगे आएगी, तो क्या इमेज क्या करेगी, या तो वो क्या करेगा, यदि इस डायरेक्शन में आ रही है तो इमेज क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, तो इन्फिनिटी के लिए हम जानते हैं जैसे जैसे हम अनंत की ओर जाएंगे तो हमारी इमेज है वो कहाँ, फोकल पर जाएगी, और इसका फोकल यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर पर दे रखा है, तो इस प्रकार से हमें यह है जो कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हमें आंसर प्राप्त होते हैं, कितने वेलोसिटी है 6.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह इमेज क्या करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। अब इसको पॉज करके नोट करेंगे, इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला केस लेंगे, ठीक है, सभी पॉज करके नोट करेंगे। वही हर बार की बात हमारी, क्या बात, सभी एक बार क्वेश्चन को पॉज करके स्वयं से ट्राई करेंगे, और उसके बाद में यदि आपको नहीं आ रहा तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं, और केस नंबर 2 के अंदर हमें क्या पता है, केस नंबर 2 के अंदर हमें पता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल
एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करता है, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी निकालना है। क्वेश्चन को क्या कर दिया, रफ कर दिया। क्वेश्चन को मैं यही फिक्स कर देता हूँ, फाइंड द वेलोसिटी, सभी के लिए सेम रहेगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, सभी के अंदर क्या करेंगे हम इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे। तो सभी के अंदर हम क्वेश्चन को यहाँ नोट कर देते हैं, ठीक है, विजुअल है सभी के लिए। अब क्वेश्चन दे दिए हमें, क्वेश्चन नंबर लगाते चलना, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, ठीक है, वही कॉनकेव मिरर लेंगे हम, क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, और इस बार मिरर पे क्या है, ये पोल है, फोकल लेंथ आपको दे दी 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ दी है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की, अब ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो इस प्रकार ये ऊपर की ओर अपर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव, परपेंडिकुलर डाउन साइड में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो बोल दिया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, अब इसको जो उसको आ रहा है वो उसको पोज करेंगे, तो नहीं आ रहा वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समझेंगे, एक बार तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ही हम यहाँ देखते हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे, यू चेंज कर रहे थे, यू चेंज कब हो रहा था हमारा, यू चेंज होगा जब हम क्या करेंगे, मिरर की तरफ जल कर जाएंगे, मिरर से दूर जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मिरर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यू चेंज नहीं होगा, यहाँ पर यू चेंज नहीं है हमारा, यू सेम रहेगा, तो यू चेंज नहीं है, तो इसके लिए क्या चेंज हो रहा है, अब देखो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट चेंज हो रही है, तो एच आई इसका ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज होगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज होगी तो इमेज भी क्या होगी, इमेज की हाइट भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करेगा तो इमेज भी क्या करेगी, इसके अपर साइड या डाउन साइड में क्या करेगा, मूव करेगा, तो एच आई और एफ तो क्या रहेगा, चेंज रहेगा, यू वी और एफ क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, यू वी एफ क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम 1/f = 1/v + 1/u फॉर्मूला अप्लाई करें, तो वो फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे तो इसके लिए सभी का डिफ्रेंसिएशन 0 प्राप्त हो जाएगा, और वो क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, जो वेलोसिटी हो इमेज निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला हम याद करें, इसके लिए आपको छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए, आपको आना चाहिए मैग्निफिकेशन, जानते हैं हम n = height of image / height of object = -v / u, यह आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वी और यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, यू एच आई इक्वल टू -v h o, वही टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा और एच आई का आ जाएगा डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का वी डी एच ओ अपॉन डी टी, तो हमें डी एच आई अपॉन डी टी बराबर आ जाएगा माइनस का वी बाई यू डी एच ओ अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए प्राप्त हो गया, ये फॉर्मूला हो गया जब क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव करेगा, तो यह फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब इस फॉर्मूले पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये फॉर्मूला याद न रखकर ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा याद रखें। अब ऐसी बात मैंने क्यों बोली है, वो आगे के 2 कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा, आगे हम बताएंगे कि यही फॉर्मूला याद क्यों रखना है, ये क्यों नहीं रखना, इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए ये फॉर्मूला फिट एंड फाइनल बैठ रहा है हमारे लिए, सही है ये, बिल्कुल बिल्कुल क्या सही है, लेकिन आगे वाले फॉर्मूलेज के लिए फॉर्मूला सही है या नहीं वो भी हमें पता रखना चाहिए, तो हम इस प्रकार से कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे जो हमें पूरे के अंदर अलग अलग न करके एक ही कॉन्सेप्ट पर तैयार करने होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, आप सभी को इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, डी एच आई अपॉन डी टी का हो गया, ये हो गया डिस्टेंस का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो गया वेलोसिटी, तो ये आ गया
वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू आर माइनस का वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमें प्राप्त होना चाहिए वी यू और वी नोट का वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन के अंदर। तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव, कौन क्यों मेरे के लिए हम जानते हैं नेगेटिव वैल्यू हमें प्राप्त होगी। यू का वैल्यू हमें पता है, यू का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। वी का वैल्यू वाई फील्ड वाला फॉर्मूला यू माइनस एफ, वी इक्वल टू माइनस का 20 माइनस 30 अपॉन माइनस 30 माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 600 अपॉन माइनस का 10। तो वेलोसिटी ये आ जाएगा इमेज डिस्टेंस टू पोल आ जाएगी आपके पास माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, यही डायरेक्शन क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव ले रहे हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और कहीं यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, इमेज प्राप्त होगी माइनस के 60 सेंटीमीटर पर, यहाँ कहीं हमें इमेज प्राप्त होगी। अब इमेज की वेलोसिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे वी आई इक्वल टू पता है माइनस का वी, वी का वी की वैल्यू माइनस का 60, यू का वैल्यू हमें पता है माइनस का 30 और यू वी नोट का वैल्यू, वी नोट का वैल्यू क्या दे रखा है हमें, वी नोट का वैल्यू 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। और अपर साइड के लिए क्या करेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे और डाउन साइड के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अपर साइड पॉजिटिव, अपर साइड ही जा रहा है तो इसके लिखते 2। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। मतलब ये हो गया कि आपकी इमेज है, आपकी इमेज का नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब अपर साइड क्या ले रहे थे हम, इसकी वेलोसिटी ले रहे थे, तो इसके डाउन साइड में, इसके डाउन साइड में 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह इमेज क्या करेगी, मूव करेगी। यह इमेज क्या करेगी, 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव करेगी। नेगेटिव डायरेक्शन हमेशा ये बता रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में यह मूव करेगा, यही ये इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। अपर साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं, दाएं साइड को क्या करते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। आप सभी इसको पोज करके नोट करेंगे। इसके बाद में हम करते हैं अगला कॉन्सेप्ट है, तो पोज करके नोट कर लिया। तो आगे आते हैं हम थर्ड केस के ऊपर, थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एंगल पर मूव कर रहा है, वो क्या करेगा, किसी ना किसी एंगल पर मूव करेगा, ना तो वो क्या कर रहा है अलोंग द एक्सिस जाएगा, ना वो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, किसी एंगल पर मूव कर रहा है। तो इसके लिए देखेंगे ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, और इस सांबा ये क्या कर दिया, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। केस नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या है, वहन ऑब्जेक्ट मूव एट सम एंगल, एट सम एंगल, किसी एंगल पर क्या कर रहा है वो मूव करेगा, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी याद करेंगे, उसके लिए हम वेलोसिटी याद करेंगे। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कौन क्यों मिरर, हम वैल्यूज क्या करते हैं, वही वैल्यूज ले लेते हैं, क्या है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कहाँ पर है, ये हमारी 30 सेंटीमीटर पर यू रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ताकि वी की वैल्यू हमें अधिक पर नहीं निकालनी पड़े, हमें पता है ओ की वैल्यू कितनी, यू की वैल्यू हमें माइनस का 30 सेंटीमीटर और एफ की वैल्यू हमें मिलेगा माइनस का 30, तो वी की वैल्यू हमें 60 सेंटीमीटर प्राप्त होगी, हम पीछे ये देख कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, किसी एंगल पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और 5 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव करेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एंगल बना रहा है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके लिए बोल दिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिसको आ रहा है इसको पोज करके करेंगे। हमने देखा था पैरेलल के लिए देखा था या अलोंग द एक्सिस के लिए देखा था माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी नोट माइनस है, और इसके बाद में हमने देखा था ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए देखा था और वाई एक्सिस के लिए देखा था हमने
डी एच आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू डी एच ओ अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला लगाने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या हमारा, इसको देखो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसको आ रहा है वो करेंगे। ये वैल्यूज मैं सेम इसलिए लिया था कि आपको यू वी एफ की वैल्यू ज़्यादा नहीं निकालने की आवश्यकता हो। इसके बाद में आप सभी इसको पॉज करके सेम से करेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मैं इसके क्या करता हूँ क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। क्वाड्रेंट बनाने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको यह क्या करेगा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करेगा, और ये क्या करेगा, ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या कर रहा है, ये तो अलोंग द एक्सिस करेगा, और ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपके पास 5 मीटर प्रति सेकेंड, और ये इनटू कितना आ जाएगा हमारे पास, मेन करने में दिक्कत हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एंगल बनाएंगे। हम जानते हैं ये 5 का ये फेमस ट्रायंगल होता है, ये 4 दे रखा है, ये एंगल भी हमें 37 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये एंगल रहेगा 53 डिग्री। ये क्या होता है, एक फेमस ट्रायंगल होता है, इसके अंदर हम वैल्यूज इस प्रकार से पुट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला इधर जाएगा, तो और ये इसको मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये भी तो इसकी वाई एक्सिस को बताएगा, और ये किस पे बताएगा, एक्स एक्सिस को बताएगा। यहाँ पर देखते हैं, ये मान लो कि ये क्या कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस पे से मूव कर रहा है, और ये 37 डिग्री के एंगल पर है, तो ये इधर वाला वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, इसे आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार आ जाएगी, और ये वाली आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। और यही मैं यहाँ पर इस प्रकार कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। यही बात मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये फेमस ट्रायंगल होता है, इसको भी मैंने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो एक बार फिर देखेंगे क्या है। एक फेमस ट्रायंगल होता है, उसके अंदर यदि आपको छोटे वाला एंगल है उसके सामने छोटी भुजा, बड़ा एंगल है उसके सामने बड़ी भुजा करेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब इसके कंपोनेंट करूँगा, तो ये वाला एक कंपोनेंट प्राप्त होगा हमें, और ये कंपोनेंट प्राप्त होगा। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये वाला और ये वाला कंपोनेंट दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमें कितना पता है, 4 पता है, और ये कितना है, 5 है। तो इसको 5 सेंटीमीटर था, तो ये कितना था, 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको बोल दूँ 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड, और ये आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं इसको भी बोल रहा हूँ 3 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया आपका, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यू का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यू का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी यू अपॉन डी टी चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट देखो इस एंगल पे जा रहा है, तो वो इधर भी मूव करेगा और ऊपर की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की और पोल की मध्य की डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, और इसकी हाइट भी क्या होगी, चेंज होगी, और इसकी ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस चेंज होती है, तो डी यू अपॉन डी टी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ यू और लिखते हैं, तो इक्वल टू कितना लिखा हमने, 4 मीटर प्रति सेकेंड लिखा, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे, तो वाई एक्सिस के लिए हमें प्राप्त होगा डी एच ओ अपॉन डी टी प्राप्त होगा, ठीक है, डी एच ओ अपॉन डी टी प्राप्त होगा, वो कितना आ रहा है, 3 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये प्राप्त होगा। ये वाली डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अपर साइड की डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतनी चीज हमें पता है, और एक यू वी एफ की वैल्यू पता है, वी नोट की वैल्यू पता है, तो सिंपल है। पहले किसके निकालेंगे, ये अलोंग जा रहा है उसके लिए वेलोसिटी निकालेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर जा रहा है उसके लिए निकालेंगे। तो अलोंग के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो क्या कर रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग, ठीक है, अलोंग के लिए, फर्स्ट केस में अलोंग के लिए निकालेंगे, तो वी आई माइनस वी एम इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम, ठीक है। तो वी आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वी ओ क्या है, रेस्ट में है, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस वी की वैल्यू हमें पता है 60 नेगेटिव, और ये इसकी वैल्यू हमें पता है नेगेटिव 30 पर स्क्वायर, वी ओ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वी ओ की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मीटर, 4 माइनस
जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टू से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर आ जाएगा, फोर इंटू फोर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा माइनस का 16 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये क्या हो रहा है, 16 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, 16 मीटर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ कहीं ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ इमेज प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर जाएगा ये 16 मीटर प्रति सेकेंड डायरेक्शन से ये इमेज। ये तो एक्स एक्सिस की प्राप्त हो गई, अब हमें वाई एक्सिस की भी जा रहे, तो हमें पता है इसकी हाइट चेंज हो रही है, तो इसकी इमेज की भी हाइट क्या होगी, चेंज होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है तो इमेज की हाइट भी क्या रहेगी, चेंज रहेगी। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते ही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा गलत आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे वहाँ पर यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पर हमें क्या नहीं दे रखे है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखी है, वहाँ ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा हो, वहाँ ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था हम ये फॉर्मूला यूज न करके, हम ये फॉर्मूला यूज न करके हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज न करके अब करेंगे, जब वाई एक्सिस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, तो हम जानते हैं एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस का वी बाई यू। अब ये फॉर्मूला हमने यूज क्यों किया, ये फॉर्मूला यूज क्यों किया, इसलिए किया, यहाँ पर एच आई और एच ओ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यह क्या ऊपर की ओर भी मूव कर रहा है और नीचे की ओर इमेज भी मूव करेगी, तो इसका एच आई और एच ओ भी चेंज हो रहा है। साथ में ये भी देखो ये क्या कर रहा है, अलोंग द एक्सिस भी जा रहा है, साथ में क्या कर रहा है, ये अलोंग द एक्सिस भी जा रहा है, इसका मतलब इसकी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसकी इमेज डिस्टेंस भी क्या हो रही है, चेंज। और इस वाले फॉर्मूले में हमें इमेज डिस्टेंस को क्या कर रहा था, इस वाले फॉर्मूले में हमने वी और यू को क्या माना था, कॉन्स्टेंट माना था, तब हमारे पास डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ अपॉन डी टी प्राप्त हुआ था, और इससे ये फॉर्मूले से ये आंसर गलत आएगा हमारे पास। इसमें वी और यू को हमने कॉन्स्टेंट माना था, लेकिन ये भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैं ये फॉर्मूले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और इसको मल्टीपल कर देता हूँ, यू एच आई इक्वल टू माइनस वी एच ओ। अब यू वी कॉन्सेप्ट से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट है तो इसका देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, फर्स्ट ऐसा का ऐसा यू तो रहेगा ऐसा, तो डी एच आई अपॉन डी टी, फिर क्या करेंगे आपका एच आई ऐसा का ऐसा रखेंगे डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी, फर्स्ट ऐसा का ऐसा सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, माइनस 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 को मैं साथ में मल्टीपल करता चल रहा हूँ, फिर सेकेंड ऐसा का ऐसा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमने यू वी एच आई एच ओ तीनों चारों को क्या माना है, इसके अंदर तीनों चारों को वेरिएबल माना है, कॉन्स्टेंट नहीं माना, सभी चेंज हो गए, इसलिए ये फॉर्मूला क्या करता है, अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका सदा हुआ है, इसके अंदर आपका क्या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, परपेंडिकुलर में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और परपेंडिकुलर और अलोंग द एक्सिस बोथ एक साथ में करेगा तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रखने के लिए बोलूँगा, एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस का वी बाई यू, इस फॉर्मूले से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, इस फॉर्मूले से आप पीछे वाले कंडीशन का फॉर्मूला याद कर सकते हो, इसलिए आप इसको ज़्यादा महत्व दो। अब इसके अंदर आएंगे यू की वैल्यू, हमें यू की वैल्यू दे रखी है माइनस का 30 डी एच आई अपॉन डी टी, डी एच आई अपॉन डी टी कितनी प्राप्त हुई है, डी एच आई अपॉन डी टी हमें ज्ञात करना है, डी एच आई मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें ज्ञात करनी है वाई डायरेक्शन में, प्लस एच आई हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हमें यहाँ पर हमें हाइट ऑफ इमेज कितनी प्राप्त होगी, हाइट ऑफ इमेज हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया था हमें, क्या दिया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया था, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये आ जाएगा जीरो, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज जीरो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आएंगे हम माइनस का वी, वेलोसिटी ऑफ सॉरी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितनी है, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 60 डी एच ओ अपॉन डी टी,
डी एच ओ अपॉन डी टी हमारे पास आया था 3, डी एच ओ अपॉन डी टी कितना आया था 3। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया आपको, क्या दिया है पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स से क्या आ गया 0। तो ये दो कंडीशंस क्या हो गई, 0 हो गया। देखो ये ऑब्जेक्ट हमें कैसा ऑब्जेक्ट दिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, इसकी कोई हाइट नहीं दी, इसलिए मैंने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 0 कर दिया है। अब इसको आगे सॉल्व आउट करने माइनस का 30 डी एच आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव 60, तो इसको एक साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 180, ठीक है 180 आ जाएगा। डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन 3, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 60। इसको क्या लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी हमें कितनी प्राप्त हो गई, 6 मीटर प्रति सेकंड नेगेटिव का मतलब अपर साइड को हमने पॉजिटिव माना था, मतलब इस डायरेक्शन में ये है 6 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये मूव करेगी। अब इसकी क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज हम याद करेंगे तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, टोटल अक्ष एक्सिस डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस का 16 आई के प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस का 6 जे के, वाई डायरेक्शन की है जे के, और इसका आपको क्या निकालेगा, आपको इसका मोड या फिर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलता है, तो आ जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 256 प्लस 36, तो इसको सम करके आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, माइनस का 16 आई के माइनस का 6 जे के, और इसका फिर हम मोड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसलिए यह क्या कर रहा है, कोई यदि आपके पास ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर मूव कर रहा है, तो किसी एंगल पर मूव करेगा, तो उसके लिए आपको आपको अलोंग द एक्सिस वाला फॉर्मूला तो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है, इसके अंदर कोई कहानी नहीं है। लेकिन वाई एक्सिस में यदि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला याद रखो, साथ में इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, तो इसको आप सभी क्या करेंगे, पहुँच करके स्वयं से इसको नोट करेंगे, पोज करके करेंगे ट्राई इसको। फिर अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, तो आपने पोज करके नोट किया। अब लास्ट आज का लास्ट और फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया फील कराता है, आप किस प्रकार से इसको बढ़िया फील करते हैं। लास्ट है हमारा When object moves parallel to principal axis, principal axis के क्या कर रहा है, parallel कोई object move कर रहा है, तो इसके लिए find the velocity of image ज्ञात करना है, सभी के लिए साइन क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम लिखते चलेंगे। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये हमारी फोकल लेंथ दे रखा था हमें 20, वैल्यूज हम वही लेंगे ताकि यू वी की वैल्यू हमें ज़्यादा निकालनी पड़े। इस बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है वो हम 30 सेंटीमीटर पर ही लेंगे, फोकल लेंथ इतनी है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पैरेलल मूव कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, पैरेलल मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर या डाउन साइड में रखा हुआ होगा, अलोंग द एक्सिस होगा तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ होगा, और इस बार ऑब्जेक्ट है वो आपका इसके पैरेलल मूव कर रहा है, और वही वैल्यू ले लेते हैं हम, मान लो कि यह 2 सेंटीमीटर की हाइट पर है और यह है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ऑब्जेक्ट क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मिरर की तरफ, ये डायरेक्शन लेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ये डायरेक्शन क्या लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन हम इसके अंदर यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप सभी स्वयं से पोज करके ट्राई करेंगे, एक बार सभी क्या करेंगे स्वयं से पोज करके ट्राई करेंगे, तो एक बार हम बता देते हैं, एफ की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, यू का वैल्यू 30 सेंटीमीटर वो भी क्या रहेगी नेगेटिव कॉन्केव मिरर के लिए, और हमने इसका पीछे डिराइव किया वी की वैल्यू हमें माइनस का 60 सेंटीमीटर प्राप्त है, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, वो भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, अपर साइड के लिए क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, और हाइट ऑफ
फिर हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी दी है 2 मीटर प्रति सेकंड, और वो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखा। तो ये वैल्यूज हमें प्राप्त है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ज्ञात करनी होगी, हाइट ऑफ इमेज हमें ज्ञात करनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें इसके अंदर ज्ञात करनी होगी। और इसको आप सभी स्वयं से पहुँच करके एक बार ट्राई करेंगे। मैं इसको आगे तभी बढ़ाऊंगा जब आप इसका स्वयं से करेंगे, ठीक है। एक मिनट लो, आप स्वयं से करना इसको। हमने ट्राई कर लिया पहुँच करके, तो अब हम इसके अंदर बताते हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से मूव हो रहा है, वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो इसका यू क्या होगा, चेंज होगा। यू चेंज है तो वी भी चेंज होगा। यदि u चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होगा, और u भी चेंज है तो f कॉन्स्टेंट, और इसके लिए हम फॉर्मल लगा रहे हैं, या फिर x एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या अलोंग द एक्सिस जा रहा है, या पैरेलल एक्सिस जा रहा है, इसके लिए फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, u वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यू हमारी आ रही है, वी आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यू हो रहा था हमारा चेंज और वी हमारा चेंज हो रहा था, तो इसके लिए हम वैल्यू लगाएंगे ये फॉर्मूला। तो वी आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है, मिरर रेस्ट में रहेगा, मिरर क्या रेस्ट रहेगा, तो वी ओ इक्वल टू माइनस का वी की वैल्यू माइनस 60 अपॉन यू की वैल्यू माइनस का 30 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू अरे 2 मीटर प्रति सेकेंड माइनस का 0। अब ये डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के लिए सभी वेलोसिटीज क्या रहेंगी, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए सभी वैल्यूज क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगे। साथ में ही एक बात और ध्यान रखते हैं, अपर डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। इतनी बात हम कर चुके हैं, अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आ जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे 2 बार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये आ जाएगा माइनस का 4 × 2, और इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस का 8 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। क्या अब यह है, इतना आंसर करते ही हमारा आंसर रह गया, हमें फाइंड हो गई वेलोसिटी ऑफ इमेज की। यदि इतना आंसर करते ही आप बता रहे हो कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, तो आपके आंसर गलत है। हमने पीछे कंडीशंस देखी थी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो एक सेंटर था, तो वहाँ पर जितनी हाइट पर था उतनी ही हाइट की हमें इमेज प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही ये क्या कर रहा है, सेंटर और कर्वेचर की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करते हैं, तो इसकी इमेज की हाइट भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, इमेज की हाइट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसके लिए हमें एच आई भी क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा, एच आई भी क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें एच आई भी चेंज मिलेगा। तो वो एच आई चेंज मिल रहा है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एच आई चेंज है और एच ओ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर से देखेंगे एक बार, ये क्या है, मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर में इंफिनिटी पर था, तो ऑब्जेक्ट क्या था, इंफिनिटी पर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्ट था, इमेज थी, वो हमें डिमिनिश्ड साइज की प्राप्त हो रही थी। जैसे जैसे हम क्या रहे, पास आ रहे हैं, तो हमारी इमेज की साइज क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, इमेज की साइज क्या थी, बढ़ती जा रही थी। एच आई क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, पोजिशन चेंज करने पर एच आई हमारा चेंज हो रहा था, एच नॉट हम कॉन्स्टेंट मान रहे थे। अब यहाँ पर क्या, एच आई चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू डी एच ओ अपॉन डी टी। नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने बोला था यू और वी को भी हमने क्या माना था, कॉन्स्टेंट माना था, यू और वी को भी कॉन्स्टेंट माना था, लेकिन यू और वी भी क्या हो रहे हैं, चेंज, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, तो इसके लिए यू और वी भी चेंज मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला अलग लगाकर, ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था आपको, जो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस का वी बाई यू, ठीक है। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, तो किस प्रकार के करते हैं, हम इसका ट्रांसफर कट करो मल्टीप्लेसन करेंगे, यू एच आई इक्वल टू माइनस वी एच ओ, टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एच आई कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है और एच ओ कॉन्स्टेंट है, यू फर्स्ट ऐसा सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस
सेकेंड ऐसा सब ऐसा फर्स्ट का इंटीग्रेशन ठीक इक्वल टू माइनस एचो क्या है एचो कॉन्स्टेंट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट प्राप्त हो रही है तो इसको मैं ऐसा वैसा लिखूँ और डी वी अपॉन डी टी ये हो गया हमारे वाई एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इमेज की और ये हो गया एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमारे पास है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी जो हमें अभी निकाल कर आए हैं। अब इसके लिए हमें यू का वैल्यू पता है ये वैल्यू हम ज्ञात करेंगे ये वैल्यू भी हमें पता है या नहीं। अब हमें यह नहीं पता कि यह एच आई कितनी है ये तो पता चल गया कि किसी 60 डिग्री के पर क्या जाएगा 60 सेंटीमीटर पर यह हमें इमेज प्राप्त हो रही है और वह 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कहा जा रही है यह डायरेक्शन पॉजिटिव थी ये अपोजिट तो इस डायरेक्शन में 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है तो इसके लिए हम यह तो पता चल गया लेकिन यह नहीं पता कि यह कितनी हाइट की बनी यह कितना हाइट का बना है तो इसके लिए हमें यह भी पता करना ज़रूरी है। अपर डायरेक्शन को क्या मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे ठीक है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है कितनी वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकंड की। अब ये हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला था हमारे पास तो हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करते हैं तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू घनेस का वी अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज हमें ज्ञात करनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर कितना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर नहीं रखा गया ये रहा 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगा माइनस वी का वैल्यू हमें माइनस का 60 प्राप्त है और यू का वैल्यू माइनस का 30 प्राप्त है माइनस से माइनस कैंसिल आउट ये 2 ये बार 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा ये कितनी बार 2 बार कैंसिल आउट तो एच आई की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 2 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर मतलब अपर साइड वो पॉजिटिव और डाउन साइड वो नेगेटिव मानेंगे तो मानेंगे तो मतलब ये नेगेटिव 4 सेंटीमीटर की इमेज बनी कितनी सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की इमेज हमें प्राप्त होगी ये हमने प्रूफ भी देख लिया और यहाँ पर एच आई देखो चेंज हो रहा है क्या एच ओ कितना था 2 सेंटीमीटर एच आई कितनी की प्राप्त हुई है 4 सेंटीमीटर की हमें एच आई प्राप्त हो रही है तो उसके लिए हमें क्या प्राप्त हो रही है एच आई चेंज प्राप्त हो रहा है एच आई चेंज प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसलिए मैंने बोला था आप ये फॉर्मूला ज़्यादा ध्यान में रखो क्योंकि आपको इससे ही आगे आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो U की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है U की वैल्यू माइनस का 30 डी एच आई अपॉन डी टी हमें ज्ञात करना है प्लस एच आई की वैल्यू हमें माइनस का 4 सेंटीमीटर दे रखी है और डी यू अपॉन डी टी हमें डी यू अपॉन डी टी 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है और एच आई एच नॉट कितना है हमारा एच नॉट कॉन्स्टेंट है 2 है माइनस का पहले से है और डी वी अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें माइनस का 8 सेंटीमीटर ज्ञात किया है। अब इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो इसको आगे सोल्व आउट करने पर हमें आगे आप इसको स्वयं से करेंगे इसको मैथमेटिकली था इसको सोल्व आउट कर लिया होगा मेरे हिसाब से आपने तो इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो माइनस का 30 डी एच आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 16 ये माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 8 और ये माइनस का फॉर पॉजिटिव 16 हो जाएगा ये इधर जाएगा ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा सर क्या है हमारे पास क्या जगह का अभाव है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 8 हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद में हमें प्राप्त होगा डी एच आई अपॉन डी टी हाइट की वेलोसिटी कितनी प्राप्त होगी 16 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास आ जाएगा 24 और ये 24 इंटू इधर क्या है माइनस का 30 मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएंगे डिवाइड में और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार आ जाएगा 4 4 टाइम 6 से और ये 5 टाइम 5 6 से तो 4 बाई 5 तो क्या आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हाइट इमेज की डीटी इक्वल टू आ गया 4 बाई 5 वाई एक्सिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी आ गई 4 बाई 5 एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी आई थी एक्स एक्सिस डायरेक्शन और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस डायरेक्शन के लिए ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस डायरेक्शन के लिए। अब इसको एक साथ में लिखेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक साथ इसको तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8 आई के प्लस
माइनस का एट आई के माइनस सिन पहले से है तो ये आ जाएगा माइनस का फोर, माइनस फोर बाई फाइव जे के ये आ जाएगा आपके पास, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 16 बाई फाइव ये आ जाएगा 64, एट का कितना आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 25। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या? ठीक है, इसको आप स्वयं से कर लेंगे आगे। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेक्टर डायरेक्शन। तो इसको आप सभी को स्वयं से पोज करके एक बार खुद से भी ट्राई करना है और इसी प्रकार करते रहो, न्यूमेरिकल्स लगाते रहो। अगला लेक्चर लेकर आएंगे, बहुत ही बढ़िया, वो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।